Everybody sing that shit. दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कौन सी ये राइफल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और सुटेबल रहेगी शूटिंग के लिए, क्लिंगिंग के लिए या वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। तो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंसेस देखते हैं NX100 पोलेरिस के बीच में और NX200 एथिना के बीच में। दोस्तों ये है NX200 एथिना जो आप इस टाइम मेरे हाथ में देख रहे हैं और दोस्तों ये लेटेस्ट मॉडल है प्रेसी होल का जो NX100 पोलेरिस को अपग्रेड करने के बाद बनाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता दूं कि NX200 एथिना की क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्यों ये बेस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि जो NX100 पोलेरिस और NX200 एथिना के बीच में डिफरेंस है कि जो उसकी फिनिशिंग है वो बेटर है NX100 पोलेरिस से। अगर हम इसकी बैरल के बारे में बात करें तो बैरल NX100 पोलेरिस का बैरल जो था वो 450mm का था और NX200 एथिना का बैरल भी 450mm का है, लेकिन NX100 पोलेरिस की जो टोटल लेंथ थी वो थी 1065mm, लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ है पूरी राइफल की वो है 1095mm, यानी कि 30mm ज्यादा बड़ी है ये NX100 पोलेरिस से। अगर हम इसके वेट के बारे में बात करें तो NX200 एथिना का जो वेट है वो है 3.15 kg, लेकिन जो NX100 का जो वेट था वो था 3.1 kg। तो यानी इसका मतलब ये है कि वेट में भी NX200 एथिना ज्यादा है। अगर हम फ्रंट साइड के बारे में बात करें, रियर साइड के बारे में बात करें और विंडेज और एलिवेशन के बारे में बात करें तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल सेम दिया हुआ है, मटेरियल बिल्कुल सेम है यानी बट फाइबर का बना हुआ है और जो बैरल है वो स्टील की है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बैरल के ऊपर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम स्कोप माउंट कर सकते हैं बिल्कुल NX100 पोलेरिस की तरह और इसके अंदर भी 11mm का डोवटेल रेल माउंट यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा बहुत डिजाइन भी चेंज करा है NX200 एथिना का। अब आती है मेन डिफरेंस NX100 पोलेरिस और NX200 एथिना के बीच में। हमने देखा था कि NX100 पोलेरिस का जो पावर है वो 16 जूल की थी, उसका जो FPS है वो था 800 FPS, यानी हम कह सकते हैं 240 MPS में, लेकिन NX200 एथिना का जो अगर हम FPS के बारे में बात करें तो इसका जो FPS है वो है 860 FPS, यानी कि 262 MPS की इसकी वेलोसिटी है। अगर हम इसकी पावर के बारे में बात करें तो उसकी पावर है वो इक्विवेलेंट है 20 जूल के, तो जैसे कि मैंने बताया था 20 जूल से नीचे अगर आपकी एयर राइफल की पावर है तो उसके लिए लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एयर राइफल जिसकी वेलोसिटी 1000 FPS और पावर 20 जूल या उससे ज्यादा होता है तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ के साथ कैलिबर के बारे में बात करें, इसके अंदर कैलिबर है 0.177 कैलिबर जो बिल्कुल सेम है NX100 पोलेरिस की तरह। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण यहां पर डिफरेंस है, वो डिफरेंस है इसके ट्रिगर गार्ड का। NX100 पोलेरिस में जो ट्रिगर गार्ड है वो बट के साथ ही अटैच है और इट इज मेड अप ऑफ फाइबर मटेरियल, लेकिन NX200 एथिना के अंदर एक मेटलिक ट्रिगर गार्ड दिया हुआ है जो बोल्टेड है इसके बट के साथ, तो ये दिखने में इसको बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाता है और बिल्कुल ओरिजिनल वेपन की तरह यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने बताया है कि NX200 एथिना क्यों बेस्ट है और क्यों हम इसे ले सकते हैं। दोस्तों एक तरफ है NX200 एथिना और दूसरी तरफ है NX100 पोलेरिस, आप दोनों का डिफरेंस
देख सकते हैं यहां पर, ये देखिएगा, ये देखिए जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है वो एनएक्स टूडेड एथीना है और जो राइट हैंड साइड में है वो है एनएक्स हंड्रेड पोलेरिस। और इसमें आप बैरल की जो लेंथ है उसको भी चेक कर सकते हैं, यानी बैरल यहां पर सेम है, ये देखिएगा बैरल यहां पर सेम है, लेकिन अगर हम टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो 30 mm का यहां पर डिफरेंस है। तो दोस्तों ये एनएक्स टूडेड एथीना हमारी जो यूज करी जाती है ये ब्लिंकिंग के लिए भी यूज करी जाती है, स्पोर्ट्स के लिए यूज करी जाती है, साथ के साथ ये टारगेट शूटिंग के लिए भी यूज करी जाती है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ब्लिंकिंग का मतलब है कोई भी टारगेट को शूट करना, एक्स वाई जेड टारगेट, चाहे वो आपका बोटल हो, चाहे वो आपका बोटल कैप हो, यानी एक्स वाई जेड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसे शूट करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करें तो डिजाइन इसका एनएक्स हंड्रेड पॉलियर से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे, उन्होंने बोला था कि एनएक्स स्टूडेंट एथीना वो रिजल्ट नहीं दे रही है जो देना चाहिए, लेकिन मैं उनके बिल्कुल अपोजिट में हूं, क्योंकि एनएक्स स्टूडेंट एथीना सबसे बेस्ट एयर राइफल है, अब तक की मॉडिफाइड एयर राइफल है प्रेसिव होल की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी रीच में है, आप बहुत ईजिली इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि जो इसका प्राइस है वो है 15,000, तो आप अलग अलग वेरियस साइज पे जाकर इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मुझसे भी खरीद सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.rankcard.com और या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं @7060926709 पर। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट मुझसे भी कॉन्टेक्ट करके इसे खरीद सकते हैं और डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी जाकर इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये प्रीपेड है ऑर्डर, यानी कि आपको ये राइफल अगर आपको चाहिए तो पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, जैसी पेमेंट आप हमको देंगे तो नेक्स्ट डे आपकी ये राइफल को डिस्पैच कर दिया जाएगा और ये ऑल ओवर इंडिया 5 to 7 days के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आती है फ्रंट साइड, रियर साइड, विंडेज एलिवेशन बिल्कुल सेम है एनएक्स हंड्रेड पोलेरिस की तरह, बैरल लेंथ है इसकी 450 mm की, टोटल लेंथ है इसकी 1095 mm, इसके अंदर भी जो बट दिया है वो फाइबर मटेरियल का बना हुआ है, इट इज अनब्रेकेबल और वाटरप्रूफ इसका जो बट है, बैरल भी स्टील की है, इसके ऊपर 11 mm का डॉकटेल माउंट दिया हुआ है। इसकी पावर के बारे में बात करें तो इसकी पावर जो है वो इक्विवेलेंट है 20 joule के। इसकी जो पैलेट की वेलोसिटी है, जो पैलेट के अंदर से निकलता है उसकी वेलोसिटी है 860 feet per second, या हम कह सकते हैं 262 meter per second। तो दोस्तों जबरदस्त एयर राइफल है, आप इसे खरीद सकते हैं www.rankcard.com से या आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ 7060926709, या आप कॉल करके भी अपना ऑर्डर मुझसे डायरेक्ट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो प्रेसी होल है वो नंबर वन एयर राइफल बनाती है इंडिया के अंदर। अब नंबर वन मैं ऐसे क्यों कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो प्रेसी होल है वो इतनी बेटर क्वालिटी आपको देती है एट ए चीपेस्ट प्राइस, यानी अगर आप यही क्वालिटी किसी और ब्रांड की एयर राइफल के अंदर आप लेना चाहोगे तो आपको कई हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा रेदर देन दिस एयर राइफल। इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम जो आपको एयर राइफल मिलती है उसका प्राइस है 15,000, लेकिन सेम अगर स्पेसिफिकेशंस की आपको एयर राइफल अगर आप लोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको 35,000 to 55,000 के करीब खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो एयर राइफल है ये भी ब्रेक बैरल एयर राइफल है, इसके अंदर भी सिंगल पैलेट हम इसमें डाल सकते हैं और उसे शूट कर सकते हैं। ये देखिएगा ब्रेक बैरल, ये देखिए ये है ब्रेक बैरल हमारा, यानी इसको हम यहां पर लोड कर सकते हैं इस तरीके से। डिजाइन के बारे में बात करें, डिजाइन इसका बहुत ही सुंदर है नो डाउट, और इसमें और एनएक्स हंड्रेड के बीच में अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेट 2,500 रुपए के करीब का इसमें डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करा कि एनएक्स 200 एथीना जो है वो एक्यूरेट नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएक्स 200 एथीना बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट शूटिंग के काम में आती है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी खाली राइफल से नहीं होता, एक्यूरेसी डिपेंड करता है शूटर पर कि उसकी शूटिंग एबिलिटीज क्या है। अगर आपका हाथ स्टेबल नहीं है तो आप कितनी महंगी से महंगी राइफल आप परचेज कर लें तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ सकती। तो ये आप भूल जाइए कि ये राइफल एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी हमेशा शूटर पर डिपेंड करती है। अगर आप में शूटिंग एबिलिटीज हैं तो आप टारगेट को शूट कर सकते हैं किसी भी राइफल से, इवन आप बुलेट से भी अपने टारगेट को शूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कई जगह देखा है कि छोटे छोटे बच्चे
गुले लेकर और पर्टिकुलर टारगेट को रखकर उसे शूट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि गुलेल से भी अगर आप टारगेट शूट कर सकते हैं तो ये तो एयर राइफल है जिसका एफपीएस बहुत ही ज्यादा है। तो कह सकते हैं हम कि आप अगर स्टेबल है, आपका हाथ स्टेबल है, तो आप इजीली आपकी एक्यूरेसी भी यहां पर बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि NX-200 इनएक्यूरेट है। मेरे हिसाब से मेरी थिंकिंग और परसेप्शन ये है कि NX-200 एथीना बिल्कुल एक्यूरेट है। दोस्तों कलर के बारे में बात करें, इसके अंदर तीन कलर आता है, एक कलर आता है ब्लैक, एक आता है इसका कैमो और एक आता है वुडन फिनिश वाला। और इसमें जो तीन मॉडल आते हैं, एक आता है बेसिक मॉडल जिसके अंदर आपको मिलता है ब्लैक बैरल और ब्लैक बट, दूसरा मॉडल आता है जिसमें आता है आपका RF बैरल और ब्लैक बट, और तीसरा मॉडल आता है जिसके अंदर आता है RF और बट में आते हैं दो कलर, कैमो और वुडन। तो आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप बेसिक मॉडल सिलेक्ट करें, चाहे RF मॉडल सिलेक्ट करें, या RF कलरफुल मॉडल जिसके अंदर कैमो वुडन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस जो NX-200 एथीना के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी एक्यूरेसी के बारे में आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा एक्यूरेट रहती है, इसका FPS कितना है और किस तरीके से ये बिहेव करती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के अंदर उनको जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, क्योंकि नियर फ्यूचर और भी वीडियोज आएंगी जो शायद आपके नॉलेज को बढ़ा सके। तो दोस्तों मैं दोबारा हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।